नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय त्रिभुज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न एक, आकृति में कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये हमें दो आकृति दी हुई हैं। इन आकृति में हमें कोण पी का मान ज्ञात करना है। तो पी कोण ज्ञात करने के लिए क्या करें? अगर आप त्रिभुज पी क्यू आर को देखें तो पी क्यू आर में भी कोण हमें दिया हुआ नहीं है। ओके दोस्तों, तो अगर एक भी कोण नहीं दिया हुआ है तो हम कोण पी को किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं। दूसरे त्रिभुज पर आते हैं। त्रिभुज एबीसी में, क्या त्रिभुज एबीसी में हम कोण सी को ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, त्रिभुज एबीसी में हमें ए और बी दिया हुआ है तो हम सी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। मैं त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप कर दूं तो, क्योंकि समरूप कोण बराबर होते हैं, तो इस प्रकार हम कोण पी ज्ञात कर पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं ये दोनों कोण समरूप हैं कि नहीं। इसके लिए हम भुजाएं दी हुई हैं, तो इसमें हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या लिया? त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर में देखा। इसमें AB बटे में QR है, जिसमें AB कितना है? 3.8 बटे में क्यू आर जो है 7.6, और दोनों को काटें तो ये आता है 1/2। ओके दोस्तों, दूसरी भुजा देखें। दूसरी भुजा कौन सी है? AC बटे में PR, जिसमें AC का मान दिया हुआ है 3√3 और PR का मान दिया हुआ है 6√3। अगर हम इन दोनों को आपस में काटें तो इसका मान आएगा 1/2। ओके दोस्तों, तीसरी भुजा देखते हैं। तीसरी भुजा में PC बटे में PQ बराबर है 6/12 के। अगर हम इसको आपस में काटें तो ये आया 1/2। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि तीनों संगत भुजा का अनुपात जो है वो क्या है? बराबर है। यानी तीनों संगत भुजा का जो भाग है वो बराबर है। यानी AB बटे में पी क्यू बराबर है AC बटे में पी आर के, और ये बराबर है BC बटे में पी क्यू के, और ये तीनों ही बराबर हैं 1/2 के। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP के, क्योंकि संगत भुजा इस प्रकार है कि PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC में। ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि AB की संगत भुजा QR है, और AC की संगत भुजा PR है, और BC की संगत भुजा PQ है। इसलिए हमने PQR ना करके RQP कर दिया है। अब ये समरूप होता है भुजा 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 समरूपता नियम से। अब हमें निकालना है कोण P। तो कोण P की संगत कौन कौन सी होगी, जिसमें कौन सी बराबर होगा कोण P के? क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब कौन सी बराबर हो जाएगा हमारे कोण पी के? ओके दोस्तों, पर इसमें हमें कौन सी का मान भी नहीं ज्ञात है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कौन सी का मान हम ज्ञात करेंगे। अब हमने देखा त्रिभुज एबीसी में, आप देखिए त्रिभुज एबीसी में कौन ए पता है, कौन बी पता है, हमें कौन सी ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज के कोण युग्म गुणधम का प्रयोग करेंगे। ये क्या होता है? ये होता है जिसमें त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री के। अब हम यहाँ कोण ए और कोण बी का मान रखकर कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने कोण ए का मान रखा 80 डिग्री, कोण बी का मान रखा 60 डिग्री, और कोण सी का मान हमें नहीं दिया हुआ था, तो कोण सी का कोण सी रहन दिया और बराबर में 180 डिग्री आ गया।
जब हमने इसको हल किया तो 80 जमा 60 डिग्री को जोड़कर हमें ज्ञात हुआ 140 डिग्री जमा कौन सी बराबर 180 डिग्री। और कौन सी का मान निकालने के लिए हमने 140 को बराबर के उस तरफ लेके गए तो कौन सी का मान आया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कौन सी हो गया हमारे पास 40 डिग्री। अतः कौन सी किसके बराबर था, कौन सी था कौन पी के बराबर, तो कौन पी का मान भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ओके दोस्तों, तो यहां से हमने कौन पी का मान ज्ञात करना सीख लिया। दोस्तों इस तरीके के जितने भी प्रश्न आपकी नोटबुक या बुक में दिए हुए हैं जरूर से उन प्रश्नों को हल करें, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 2। इस प्रश्न में दिया हुआ है ओ ए गुने में ओ बी बराबर है ओ सी गुने में ओ डी के, और हमें दर्शाना है कि कौन ए बराबर है कौन सी के और कौन बी बराबर है कौन डी के। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसकी फिगर देखते हैं, आकृति कुछ इस प्रकार है। इस आकृति को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो दिया है उसके द्वारा इस प्रश्न को हल कर। हमें दिया है ओ ए गुने में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। हम यहां पर ओ ए के साथ ओ बी है, उसमें ओ बी को दाएं तरफ ले जाएं तो और ओ सी को बाएं तरफ ले जाएं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ डी बटे में ओ बी। इसको हम देते हैं समीकरण 1 का नाम। साथ ही साथ कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी के, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने भुजाओं को समानुपाती सिद्ध किया है तथा एक कोण को बराबर सिद्ध किया है। तो इस हिसाब से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी, ये आपस में क्या है समरूप है। किससे, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। इसलिए हमारे पास कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के तथा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ए का संगत कोण सी है और बी का संगत कोण डी है, इसलिए आपस में ये दोनों बराबर हैं। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि ओ बी वर्ग जमा ओ डी वर्ग बराबर है ओ सी वर्ग जमा ओ ए वर्ग के। आइए दोस्तों इसको आकृति के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। आकृति कुछ इस प्रकार है, प्रश्न में आपको आकृति दी हुई होगी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, ओ से होती हुई पी क्यू समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि समांतर होगी बी सी के। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बी सी के समांतर ओ से होती हुई एक रेखा खींच दी जिससे पी भुजा ए बी पर स्थित हो तथा क्यू भुजा डी सी पर स्थित हो। ओके दोस्तों, तो अब क्योंकि पी क्यू समांतर है बी सी के इसलिए पी क्यू लंब हो जाएगा ए बी पर तथा पी क्यू लंब हो जाएगा डी सी पर, और इसी प्रकार कोण बी पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के और कोण सी क्यू पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। अब अगर आप इस रचना को ध्यान से देखें तो आप बता पाएंगे कि जो है पी क्यू रेखा हमने खींची है वो इस पूरे आयत को दो भागों में बांट रही है। ओके दोस्तों, यहां से ये दोनों कोण जो हो गए 90 डिग्री के, और यहां पे हमने जब फिगर को ध्यान से देखा तो यहां पे बी पी क्यू सी और ए बी क्यू डी दोनों आपस में एक आयत को दर्शा रहे हैं। अब ओपीडी यहां से देखा हमने, अब त्रिभुज ओपीडी में देखिए,
अगर हम त्रिभुज ओपीडी में देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जो पी है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जी हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? ये हो जाएगा ओबी का वर्ग बराबर बीपी का वर्ग, जो हमारा क्या है? लंब है। और ओपी का वर्ग, जो हमारा क्या है? आधार है। इसी प्रकार त्रिभुज ओक्यूडी में अगर हम देखें तो ओ क्यू डी में कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री का वह है। यहां से आ जाएगा हमारे पास ओ डी वर्ग बराबर ओ क्यू वर्ग जमा ओ डी वर्ग। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से त्रिभुज ओ पी ए में ओ ए वर्ग बराबर हो जाएगा ए पी वर्ग जमा ओ पी वर्ग हो जाएगा। और इसी प्रकार सेम त्रिभुज ओ क्यू सी में बराबर हो जाएगा ओ सी वर्ग बराबर हो जाएगा ओ क्यू वर्ग के जमा क्यू सी वर्ग के। इस प्रकार से हमें चार समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम दो समीकरण को जोड़ें तो हमें ये प्राप्त होगा ओ बी वर्ग जमा ओ डी वर्ग बराबर बी पी वर्ग जमा ओ पी वर्ग जमा ओ क्यू वर्ग जमा क्यू डी वर्ग। अब यहां दो भुजाओं को देखिए, बीपी तथा क्यूसी। क्यूडी के बराबर एपी है, इसलिए बीपी की जगह हम क्यूसी वर्ग और क्यूडी की जगह हम एपी वर्ग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी क्यू वर्ग जमा ओपी वर्ग जमा ओ क्यू वर्ग जमा एपी वर्ग। ओके दोस्तों, और बाद के समीकरण के लिए बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एपी वर्ग और ओपी वर्ग है, इन दोनों को हम ओ ए वर्ग लिख सकते हैं। साथ ही ओ क्यू वर्ग जमा क्यू सी वर्ग को हम ओ सी वर्ग लिख सकते हैं, और ओ ए वर्ग जमा ओ सी वर्ग यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बराबर हुआ ओ ए वर्ग जमा ओ सी वर्ग यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बराबर हुआ हमारे ओ बी वर्ग जमा ओ डी वर्ग बराबर ओ ए वर्ग जमा ओ सी वर्ग। तो यही हमें यही सिद्ध करना था। ओके दोस्तों, आइए जल्दी से एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चार, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और कोण M समकोण है। हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में, पहला, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरा, CA बटे में PA बराबर है BC बटे में MP के। ओके दोस्तों, आइए इस प्रश्न की फिगर देखते हैं। हमें पहले पड़ाव में त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम पी के, जैसा कि आप स्क्रीन पर यह बनी आकृति में देख पा रहे हैं। ओके दोस्तों, और दूसरे पड़ाव में ये सी ए बटे में पी ए जो कि हमें बराबर सिद्ध करना है बी सी बटे में एम पी के। ओके दोस्तों, चलिए अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में देखते हैं। इन दोनों ही त्रिभुज में कौन ए जो है वो बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है? उभयनिष्ठ हैं। साथ ही कौन ए बी सी बराबर है कौन ए एम पी के, जो कि हमें 90 डिग्री दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के ये प्रश्न में दिया हुआ है। क्योंकि दो संगत कौन क्या है यहाँ पे बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के बाय कौन कौन समरूपता नियम से। इसलिए हम लिख सकते हैं कि सी ए बटे में पी ए बराबर है बी सी बटे में एम पी के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में जो इनकी ये भुजाएं होती हैं संगत भुजा, वो समानुपाती होती हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि सी ए बटे में पी ए बराबर है बी सी बटे में एम पी के। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने
त्रिभुज अध्याय के उन प्रश्नों को हल किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। दोस्तों आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर हल करें और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्नों को भी ढूंढें जो बुक में आपको आसानी से मिल सके, और उन प्रश्नों को भी आप जरूर से हल करें। अगर आपको वो प्रश्न जानने हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।